क्लास 12, हेलो, यस्टरडे आई टोल्ड यू वन स्टोरी, दिस टेक्स्ट बुक है आपकी, द टाइगर किंग, जिसमें कि आपने देखा था कि द टाइगर किंग एक बॉय था जो उसका नाम महाराजा जंग जिलानी बहादुर उनका नाम था, और वो प्रतिबंधनपुरम के रहने वाले थे। और उसको पैदा होते ही उसको एस्ट्रोलॉजर्स ने बोल दिया था कि ये बच्चा आपका जो है टाइगर से मरेगा। तो टाइगर से मरेगा, जैसे वो बच्चा बड़ा हुआ तब उसने सोचा कि मैं 100th टाइगर से मरेगा। तो उसने सोच लिया कि मैं पैदा होते ही कि अब मैं टाइगर हंट करूंगा और मेरे राज्य में जितने टाइगर होंगे मैं सबको मार दूंगा। तो उसने बोला भी उनके ऑस्ट्रोलॉजर ने कि आप 99 टाइगर मार सकते हैं, बट 100th टाइगर से आपको बहुत बी अवेयर, मीन्स आपको केयरफुल रहना पड़ेगा। इसके बाद क्या होता है, यहाँ देखिए, देयर वर इन्यूमरेबल फॉरेस्ट इन द प्रतिबंधमपुरम। प्रतिबंधमपुरम के स्टेट में बहुत सारे फॉरेस्ट थे और दे हैड टाइगर इन दैम, बहुत सारे उसमें टाइगर थे। उन्होंने क्या करा, अपने प्रतिबंधमपुरम में जितने टाइगर थे उन सब टाइगर्स को मार दिया और अपने एक भी टाइगर नहीं छोड़ा कि देखिए कौन सा टाइगर मुझे मारता है। नाउ द महाराजा, जब उन्होंने ये बोला कि आप 99 टाइगर मार सकते हो बट 100th टाइगर से आपको केयरफुल रहना पड़ेगा, अब महाराजा और गुस्सा जाती है। नाउ द महाराजा वोट दैट ही वुड अटेंड टू ऑल द अदर मैटर्स ओनली आफ्टर किलिंग द 100th टाइगर। अब महाराजा उनसे बोलते अपने ऑफिसर्स जो ऑफिस में रहने वाले उनके लोग थे, एडमिनिस्ट्रेटर्स, उनसे बोलते हैं मैं सारे मैटर्स बाद में क्लियर करूंगा, पहले मैं इस 100th टाइगर जब तक किल नहीं करूंगा मैं कुछ नहीं करूंगा। द प्रोक्लेमर वॉज इश्यूड दैट नो वन एक्सेप्ट महाराजा वुड हंट टाइगर इन द स्टेट। और जो प्रोक्लेमर्स थे उन्होंने वहाँ पे बोल दिया कि इस महाराजा के इस राज्य में कोई भी टाइगर किल नहीं करेगा, टाइगर हंट सिर्फ टाइगर हंट महाराजा ही करेंगे, कोई हंटर को अलाउ नहीं है कि कोई भी टाइगर की हंटिंग करेगा। द महाराज किल्ड मैनी टाइगर वन आफ्टर द अदर, समटाइम ही हैड टू फेस डेंजर्स ऑल्सो। कहते टाइगर महाराजा ने बहुत सारे टाइगर्स मारे, इस बीच में उनको कई सारे डेंजर्स को फॉलो फेस करना पड़ा, बहुत मुसीबत का सामना उठाना पड़ा। अनदर टाइम ही वॉज इन डेंजर इन लूजिंग हिज थ्रोन। और एक बार ऐसा भी आया कि उनको थ्रोन भी छोड़ना पड़ा इसके लिए, क्यों, अगर वो हंटिंग हंटिंग में लगे रहेंगे तो थ्रोन कवर कैसे करेंगे। द हाई रैंकिंग ब्रिटिशर्स ऑफिसर्स विजिटेड प्रतिबंधमपुरम, ही वॉज वेरी फाउंड ऑफ हंटिंग टाइगर्स। एक बार हाई रैंकिंग ब्रिटिशर्स जो थे उन्हें बड़ा टाइगर हंटिंग का शौक था, वो प्रतिबंधमपुरम में पहुंच गए। ही वॉज वेरी फाउंड ऑफ हंटिंग, और उन्हें टाइगर का बड़ा शौक था, एंड फाउंडर ऑफ बींग फोटोग्राफ विद द टाइगर ही हैड टू शूट। और वहाँ के लोग क्या करते थे ब्रिटिशर्स, वो टाइगर को मारना, टाइगर के साथ फोटोग्राफ लेना बड़ा पसंद करते थे। As usual, he wished to hunt tigers in Pritambaram, but the Maharaja was strong his resolve. कहते हैं कि वहाँ के ब्रिटिशर्स ने वहाँ के महाराजा से कहा भाई हम लोग को भी टाइगर मारना है, हमें इसके संग फोटोग्राफ लेनी है, और मगर वहाँ के महाराजा ने बिल्कुल मना कर दिया कि नहीं आप ऐसा नहीं कर सकते। He refused permission, उन्होंने ये उसकी परमिशन नहीं दी। The British officer secretary sent word of the Maharaja that the important of the officers was a photograph of himself holding the gun and standing over the high tiger's cascars, but the Maharaja would not agree even the proposal. उन्होंने कहा ठीक है टाइगर आप मारिए, बट टाइगर को मारते हुए गन लेके फोटो ब्रिटिशर्स खिंचाएंगे। उन्होंने महाराजा ने इस बात पर भी मना कर दिया, नहीं नो फोटोग्राफ नथिंग, कुछ भी नहीं करेंगे आप टाइगर के संग, कोई टच या कोई प्ले गेम नहीं करेंगे, बिकॉज ही हैड prevented the British officers from fulfilling his desire. उन्होंने उसको इसलिए मना करा क्योंकि महाराजा अपनी डिजायर पूरी करना चाहता था। महाराजा stood in the danger of losing his kingdom itself. अब वो कहने लगा चाहे मेरा किंगडम भी चला जाए मगर टाइगर मैं ही मारूंगा, मेरे अलावा कोई टाइगर नहीं मारेगा। He had to consult with Diwan and sent to the telegram to the famous British company in the journals. Send sample of expensive diamond rings of a different design. कहते हैं अब क्या हुआ, अब क्या हुआ, जब ब्रिटिशर्स गुस्सा हो गए कि आप हमें टाइगर हंट नहीं करने दे रहे, आप मुझे टाइगर का फोटोग्राफ नहीं दे रहे, वो सब गुस्सा हो गए। और वो लोग बहुत ज्यादा बिजनेस महाराजा को देते थे, अब महाराजा को लगा कि मेरा थ्रोन भी गिर जाएगा, मेरे जो किंगडम में वो बड़ा लॉस होगा। तो उसने क्या करा, उसने अपने दीवान साहब से बोला कि जाइए और डायमंड की एक्सपेंसिव एक्सपेंसिव रिंग्स खरीद के लाइए
और उन्होंने जब दीवान और जो उनके जो ऑफिसर्स थे वो बहुत सारे रिंग्स खरीद के लाए, तो उन्होंने क्या करा, ब्रिटिशर्स की वाइफ्स को महाराजा ने रिंग्स गिफ्ट कर दी कि आप ये डायमंड की रिंग्स पहनिए, जो रिंग आपको पसंद आए आप लोग ले लीजिए। वो ये चाहते थे ब्रिटिशर्स की वाइफ हमसे खुश हो जाए, रिंग्स ले लें और ब्रिटिश जो हमसे गुस्सा हो गए वो हमारे गुस्सा को हमें माफ कर दें। इन टू डेज अ बिल ऑफ द 3 लाख ऑफ रुपीज केम फ्रॉम द ब्रिटिशर्स। अब इसका क्या हुआ, डायमंड रिंग्स का 3 लाख का बिल जो है वो महाराजा के पास आ गया। महाराजा वॉज हैप्पी दैट दो ही हैड लॉस्ट 3 लाख रुपीज ही हैड मैनेज टू रिटेन दिस किंगडम। मगर महाराजा खुश हो गए कि चलो भैया किंगडम तो बचा, 3 लाख की रिंग्स चली गई तो कोई बात नहीं, हमारी रानियां तो खुश हो गई, ब्रिटिश जो क्वींस थी वो खुश हो गई, उन्होंने वहां के ब्रिटिशर्स को मना लिया। द महाराजा टाइगर हंट कंटिन्यू टू बी हाईली सक्सेसफुल, और महाराजा के जो टाइगर हंट था वो सक्सेसफुल होता चला गया। विद इन 10 ईयर्स ही वॉज एबल टू किल 70 टाइगर्स, एक साल के अंदर उसने 70 टाइगर्स को किल कर लिया। बट नाउ देयर वर नो टाइगर्स टू बी फाउंड इन द फॉरेस्ट ऑफ प्रतिबंधमपुरम। अब मगर प्रतिबंधमपुरम जो उनका किंगडम था वहाँ पे सारे टाइगर फिनिश हो गए, वहाँ पे एक भी टाइगर नहीं आया क्योंकि सारे उसने टाइगर किल कर दिए थे। महाराजा मैरिड टू अ गर्ल फॉर द रॉयल फैमिली, द फादर इन लॉ हैड अ लार्ज टाइगर पॉपुलेशन। महाराजा बहुत प्रेमी था, उसने क्या करा, अब उसे मैरिज करी, मैरिज भी ऐसे जगह से करी जिस किंगडम में सबसे ज्यादा टाइगर होंगे उसी किंगडम की लड़की से वो मैरिज करेगा। उसने एक रॉयल फैमिली से लड़की, रॉयल फैमिली की लड़की से शादी कर ली, और फादर इन लॉ से वहां के ये कह दिया कि आपके लार्ज पॉपुलेशन ऑफ टाइगर है वो मैं हंट करूंगा। बहादुर जंग बहादुर किल 5 or 6 टाइगर ईच टाइम ही विजिटेड टू फादर इन लॉ, और जब वो फादर इन लॉ अपने ससुराल जाता तो वहां पे 5 or 6 टाइगर्स को किल करके आता। वो इसी पर्पज से जाता था, मुझे टाइगर किल करना है ताकि मैं अपने ससुराल भी चला जाऊं और टाइगर को भी किल कर दूं। इन द मैनर 99 टाइगर्स स्किन्ड अडोर्न इन द वॉल ऑफ अ रिसेप्शन हॉल इन द प्रीतंबर पैलेस। इस तरह से उसने 99 स्किन अपने प्रीतंबर किंगडम के पैलेस में हैंग कर ली, उसे मतलब 99 टाइगर्स किल कर लिए। नाउ आई टेल यू द स्टोरी टुमारो।